सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी मां नीलिमा अजीम के बारे में कम ही लोग जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर आजकल कहां है शाहिद की मां और क्या कर रही है। नीलिमा अजीम जानी मानी अभिनेत्री है, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, इसके अलावा कई सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं। 2013 में फिल्म देहरादून डायरी में वो नजर आई थी। शाहिद कपूर के साथ फिल्म इश्क इश्क में शाहिद की मां का किरदार भी निभा चुकी हैं। नीलिमा अजीम की निजी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। पंकज कपूर से 1975 में उनकी शादी हुई। दोनों की शादी 9 साल बाद यानी 1984 में टूट गई। शाहिद दोनों की इकलौती संतान है। बाद में पंकज कपूर ने अभिनेत्री सुप्रिया पाठक से शादी कर ली। वहीं नीलिमा ने 1990 में अभिनेता राजेश खट्टर से शादी कर ली। खट्टर से भी उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 2011 में दोनों का तलाक हो गया। ईशान खट्टर नीलिमा और राजेश के बेटे हैं। राजेश से तलाक के बाद नीलिमा ने तीसरी बार उस्ताद रजा अली मुराद से 2004 में शादी की। ये शादी भी सिर्फ 5 सालों तक ही चली और 2009 में ये दोनों अलग हो गए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।